को हम ध्यान रखते हुए एक एक करते हुए रूल पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कंकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंकेव मिरर, एक छोटा सा बना लेते हैं, ये कंकेव मिरर है। कंकेव मिरर में क्या होता है, एक हमारे पास कोण होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उनको जोड़ने वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोण है, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए भी लिख सकता हूं, ये सी है, ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कंकेव मिरर, इट पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये फोकस से पास होगा। अच्छा, ये फोकस से पास हो रहा है, दूसरी लाइन आएगी वो भी फोकस से पास होगी, जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके फोकस से पास करेंगी, ठीक है। ये पहला नियम है। ऐसा क्यों हो रहा था, हमने देखा था क्योंकि यहां से एक आपकी लाइन बनेगी जिसको हमने कहा था नॉर्मल लाइन। ये क्या था कि यहां से एक नॉर्मल लाइन बनी थी सरफेस पे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए था, तो इस वजह से ये खेल हो रहा था, ठीक है। अगला नियम पढ़ते हैं कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कंकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब इसको अलग से भी देखते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट अगर कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, कोई रे ऑफ लाइट अगर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, या मैं कह लूं कि ये रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, तो ये कह रहा है मिरर से टकराने के बाद वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, मिरर से टकराने के बाद वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। भैया ये जादू क्यों हो रहा है, ये जादू इसलिए हो रहा है कि हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन निकलती है जिसको हम कहते हैं एक्सिस या नॉर्मल लाइन, ये हमने देखा था। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो एक्चुअली वो क्या है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है सरफेस पे, और कोई भी लाइन परपेंडिकुलर जाएगी, मतलब कि कोई लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी तो परपेंडिकुलर ही वापिस आएगी, तो इसीलिए ये हमारा सेकेंड नियम है कि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कंकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो ये तीसरा नियम है ये पहले नियम का बिल्कुल उल्टा है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके गुजरेगी, ये हमारी इंसिडेंट रे है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके गुजरेगी तो गुजरने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। भैया ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी वही नियम लागू हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, जितना एंगल ये है और उतना ही एंगल ये होना चाहिए, और हम देखेंगे हमेशा एक पैरेलल लाइन बनेगी जब भी कोई लाइन फोकस से होके इंसिडेंट करेगी आपके कंकेव मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो ये हमने एक्सिस देखा था, ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, खास तौर से रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में आपसे कभी भी कह देंगे किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर बनाओ, कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर बनाने के लिए उसके सेंटर से लाइन जाएगी और वहां से टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। चलो जी चौथा पढ़ते हैं। चौथा नियम ये कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आपके पोल पे आके टकराएगी, अब ये पोल क्या है, पोल पे आने वाली जो ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो ये लाइन है, भाई साहब ये लाइन भी तो हमने एक्सिस से बनाई थी जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर थी, तो हमें कोई नॉर्मल बनाने की अलग से जरूरत ही नहीं है, ये एक्चुअली तो एक नॉर्मल है। तो अगर कोई लाइन ऐसे आएगी इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हमारा चौथा नियम कह रहा है। ये अभी हमने किसके लिए पढ़े हैं, ये अभी हमने पढ़े हैं अभी तक कंकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है। कन्वेक्स मिरर के केस में मैं रूल्स दोबारा से नहीं लिखूंगा,
बस मैं ये चारों रूल्स आपको समझा देता हूं कि चारों रूल के साथ होता क्या है कन्वेक्स मिरर के केस में। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर के केस में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब पहले कन्वेक्स मिरर बना दिया छोटा सा, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ठीक है। ये लाइन हम इंफिनिटी से इंफिनिटी तक बना देते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। तो अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो टकराने के बाद ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस पे जा रही है, ठीक है। क्या होता है इसमें, जब हम इसमें नॉर्मल बनाते हैं, जब हम इसका नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल ये लाइन हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई, तो ये एक एंगल है थीटा, तो उतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करना है, उतने ही एंगल से इसने इस लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट किया, और जब उसने रिफ्लेक्ट किया ऐसे ही एक लाइट हमने ऐसे बनाई, ठीक है। अब मैं इसका नॉर्मल बना देता हूं, ये हो गया इसका नॉर्मल, तो इतने ही एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करना है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, तो ये तो कहीं मीट नहीं करते, ऐसे ही यहां से जाएगी तो ये वापिस आ जाएगी, कहीं मीट नहीं कर रहे, बट एक्चुअली जब हम इसको यहां से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट से निकल रही है और जो वो पॉइंट है वो फोकस है, ये हमने देखा था इस केस में, ये फोकस था आपका कन्वेक्स मिरर का। तो क्या है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से होती भी जाएगी, वो फोकस से होती भी जाएगी। कन्केव मिरर के केस में वो एक्चुअली होके जाती है, कन्वेक्स मिरर के केस में इट अपीयर्स। और ये अपीयरेंस का एक रीजन है कि इस केस में जो इसकी इमेज बनेगी वो अलग बनेगी एज कंपेयर टू कन्केव मिरर, ठीक है। सेकेंड नियम देखते हैं, सेकेंड नियम ये कहता है कि कोई भी लाइन अगर कर्वेचर से जा रही है तो वो कर्वेचर से ही होकर गुजर जाएगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें हम एक दोबारे से फ्रेश सा एक एग्जाम्पल डायग्राम बना लेते हैं, रे डायग्राम, कन्वेक्स मिरर के केस में हम बना लेते हैं, ये अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो ये भाई साहब ये कह रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे ऑफ लाइट हमारी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है, मैं कर्वेचर को थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये कह रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होने को, ये इंसिडेंट होने के बाद ये इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमें देखना है कि जो ये एंगल है ये क्या है, एक नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके सरफेस पे एक नॉर्मल डाली, ये ही नॉर्मल है, ये ही इंसिडेंट है, तो इसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा तीसरा केस क्या है, रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस के ऊपर टकराएगी तो क्या हुआ, तो फोकस के ऊपर आके टकरा नहीं रही है, वो एक्चुअली इस पॉइंट पे आके रिफ्लेक्ट करेगी, बट इट अपीयर्स कि ये आगे जाके फोकस पे होती हुई गुजरेगी। तो होगा क्या, हम एक लाइन बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन बनानी, ये क्या है, ये नॉर्मल लाइन है, तो जितना एंगल ये है ये इंसिडेंट रे है, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो हम देखते हैं जो सेम एंगल है वो जब आता है, जब वो आपकी लाइन पैरेलल चली जाती है। तो थर्ड रूल सेज दैट कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आएगी कन्वेक्स मिरर, हम कन्वेक्स मिरर में, तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और फोर्थ रूल ये कहता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट आपके पोल पे आके टकराएगी तो वो टकराने के बाद उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ये लाइन है ये क्या है, ये खुद में ही एक नॉर्मल लाइन है, तो जो ये एंगल है ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे रूल्स थे रे ऑफ लाइट।